उन्होंने रोस वजो जो चल रहा साडा धरना जोड़ा रेलवे ट्रैक देवीदासपुर चल रहा तो 30वें दिन के दाखिल हो गया पूरा एक महीना हो गया तो लगातार वो रूप बदल रहे अब एक भी रूप आज रणजीत एवेन्यू अमृतसर वजे असी निरोल बीबिया का कट करके तो मोदी सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई आ क्योंकि मोदी का रमन साड़िया नमस्कार जनहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आपको वो तस्वीर तो याद होगी जब राम मंदिर शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले थे 5 अगस्त से पहले और उसके ठीक पहले बीजेपी आईटी सेल ने एक तस्वीर जारी की थी और भाजपा के कई नेताओं ने उस तस्वीर को वायरल किया था, पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री एक छोटे से श्रीराम को उंगली पकड़कर लेके जा रहे थे मंदिर की तरफ। इस मामले पर विवाद भी हुआ कि प्रधानमंत्री बड़े हो गए और राम छोटे हो गए, तो बीजेपी ने अपनी सफाई में कुछ कहा, वो क्या कहा वो अलग की बात है। अब समझना ये है कि बीजेपी के लोग और बीजेपी आईटी सेल हमेशा से प्रधानमंत्री को राम का एक अवतार बताते थे। इनका कहना था कि कलयुग में राम के अवतार में प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है। अब उस अवतार को भारतीय किसानों ने रावण बना दिया। जी हाँ, ताज़ा मामला ये है कि देश में कई जगहों से दशहरे के मौके पर जो रावण का पुतला फूंका जा रहा था उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी। जी हाँ, रावण के पुतले पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई 10 शहरों पर अलग अलग, कहीं अनिल अंबानी, कहीं मुकेश अंबानी, कहीं अडानी, कहीं अमित शाह, कहीं राजनाथ सिंह जी, सबकी तस्वीरें लगाकर जलाई गई। ये रोष आया कहाँ से? ऐसा क्या हो गया कि जो जनता अब तक प्रधानमंत्री को राम का अवतार मानती थी अब उन्हें रावण बना दिया और उनको जलाने भी लगी? वजह है किसान बिल। जी हाँ, 3 किसान बिल जो किसानों का कहना है कि उनके विरोध में है और प्रधानमंत्री का कहना है कि किसान गंवार हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इस तरह के कानूनों ने किसानों को, भारत के लोगों को इतना गुस्से में डाल दिया कि वो लोग जिन्हें राम कहते थे उन्हें रावण कहने लगे। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये कहना कि वो राम के या रावण के अवतार हैं ये गलत है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। हालांकि किसानों ने जो किया ये उनका रोष प्रकट करने का अपना तरीका था, मगर ये बात तो सोचने वाली है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज से कुछ साल पहले जो सबसे लोकप्रिय नेता थे आज उनकी हालत ऐसी क्यों हो रही है? आखिर क्यों पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है? क्यों जनता उनसे पूरी तरह से रुष्ट हो चुकी है? क्या वजह है? प्रधानमंत्री को भी और देश की पूरी सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीबिया का कट करके तो रोस विखावा कर रहे हैं। ये साडा मोदी सरकार वालों आर्डीनेंस तिने जिहड़े आ वो किसान विरोधी लागू किए आ, उहदे विरोध विच आ ते असी इत्थे अज मोदी सरकार दा, मोदी दा ते उहदे कारवां घराणिआं दा, अडानी बानी दा पुतला भी फूकांगे क्योंकि लोगों के बहुत वड्डा रोस आ क्योंकि मोदी सरकार ने कारवां घराणिआं नूं वाजा मार के साडे देश ते बाजार ते कब्जा करवाउण दी नीति धारी होई आ। इस करके बहुत जल्दबाजी दे विच मोदी सरकार ने 3 कानून लागू किए जिहड़े बिल्कुल किसान ते खेती विरोधी कानून आ। उन्हां दे रोस वजो जो चल रहा साडा धरना जिहड़ा रेलवे ट्रैक देवीदासपुर चल रहा 30वें दिन के दाखिल हो गया पूरा एक महीना हो गया तो लगातार वो रूप बदल रहे अज एक भी रूप आज रणजीत एवेन्यू अमृतसर वजे असी निरोल बीबिया का कट करके तो मोदी सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई आ क्योंकि मोदी का रमन साड़िया है। अगे तो भी लोड़ पई तो साड़ांगे, साड़ियां जमीन साढ़े को खोई जा रहे हैं, सानू की लोड़ पई? साढ़े असं निके निके बच्चे लैके इतने आ रहे हैं, सानू की लोड़ पई आ? साड़ियां जमीन ही इन्होंने साढ़े तो खो लिया, सानू असं अपने छोटे छोटे बच्चों को की खाने देवे? इस करके मोदी सरकार में यही कहना चाहते हैं कि अपने एग्रीमेंट जोड़े इन्होंने जारी किए आ वो वापस ले ही जाने। जे सानू लोड़ पई तो असं दिल्ली तक भी आवेंगे, जे इतने नहीं हट सके ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਪਾ ਗੋਦੇ ਵਰਗੂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੇ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਅ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ 65 ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 65 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਬੱਚੇ ਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। जो जटा की पैरी आर करनी चाहता जटा को खोनी चाहता, जे जट ना रहा तो कोई भी नहीं रहना। इस करके मोदी का पुतला सारी किसान संघर्ष कमेटी वालों फूकिया गया। साड़ी यो मंग आ कि जिन्ना चेर ये मोदी है ये जो तिने बिल आ जो लागू किए ये जिन्ना चेर ये रद्द नहीं करता उन्ना चेर सा संघर्ष जारी रहेगा। मोदी जेड़े काम करता पुठे करता, ये नहीं करता आ पुठे करता, दुनिया दुखी हो ही मुर्दा सारती है। हाँ जी, मैं ये आनी भी जेड़े इन्हें कानून लागू किए वो वापस ले ले, ये कानून ये लागू नहीं होने देने। हाँ, पर वो ते पास हो गए, पास हो गए, पास उन्हें चलन नहीं देने। जमीन खोदा वा जमीन भी इन्हें खोन नहीं देनी, लोग इन्ना बटना लाउन ना तो लड़ाई करते। अडानिया अंबानिया के इन्हों के मोदी के अज इतने 23 तरीक पुतला फूकया। इस तरह सारे पंजाब दे विच असी जलंधर दे विच हरेक पिंड दे विच असी 25 तरीक नूं सारे चो पुतले फूकांगे। उन्ना चिर संघर्ष जिहड़ा वधदा जाऊ, जिन्ना चिर आर्डीनेंस दे जिहड़े काले कानून आ इह रद्द नहीं हुंदे, इन्हां कानूनां नूं रद्द करा के डांगे, नहीं तो इहदू संघर्ष जिहड़े आ उह तिखे होणगे। उन्ना चिर नहीं बवांगे जिन्ना चिर आर्डीनेंस जिहड़े किसान मजदूर दुकानदार नूं मारूगा उह रद्द करवा के डांगे। कोई सारे पंजाब दे विच सारे जिलों के इन्हों के पुतले फूके जा रहे हैं, तो जथेबंदी मांग करती है भी जिहड़े काले कानून मोदी सरकार लेके आया कारपोरेट घराणियां वास्ते बनाउण डिया इन्हां नूं रद्द किए जाण। जिन्नी छेती रद्द कर लूगा तो ठीक रहूगा, नहीं तो भांबड़ मचा देंगे। जिस तरह पंजाब सरकार नूं मजबूर किया असी भी मता पाउण करके, इस तरह घर घर का बच्चा बच्चा हले संघर्षा में सड़कों पर आऊगा। इस करके ही मोदी सरकार को चेतावनी देने सेंटर सरकार को कि आने वाले दिन जोड़े आ संघर्ष साढ़े बहुत तेज़ होंगे। इस करके जोड़े बिल आ तुरंत रद्द किए जा, जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ जोड़ा साडा कानून बनया अज तक लागू नहीं किया तो वह जो लागू किया जाए। जो फसलों जो यकीनी जो दाल होर फसल साढ़िया सारिया कपाह गन्ना कमाद जो हैगा वा उन्होंने उस सानू रेट दिते जाए। तो स्वामी रोड की तुरंत ही मंग करते हैं रिपोर्ट जी लागू करके।